हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ओवरव्यू से, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट ईयर एग्जाम होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो जितने भी डेफिनेशन, जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं वो सारे हम लोग अभी देखेंगे, पर ऑब्जेक्टिव के टर्म में, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। पहले डेफिनेशन है कि दो द स्टेट ऑफ मेटल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर इज नॉन ए सॉलिड स्टेट। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का मतलब होता है आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम एक साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं उसे सॉलिड कहते हैं। तो क्वेश्चन में उदाहरण के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि दो द स्टेट ऑफ मेटल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर इज नॉलेज। उसके बाद आपको ऑप्शन देगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन नन ऑफ दिस, तो इसका जो सही आंसर है सॉलिड, उसको हम सॉलिड मान लेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के दो प्रकार होते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। अब जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो इन ईच केस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड ऑल्सो फॉलोज लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर। तो जिस केस में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी कि आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम पूरे स्पेस से एंड ऑल्सो फॉलोज लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर, यानी कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हमारा मेटल या सजा कर रखे हुए हैं, तो ये रेगुलरली अरेंज्ड है, ये लॉन्ग रेंज यानी इनफिनिटी तक को फॉलो कर सकता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, वो रेगुलरली अरेंज्ड है, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार इस डेफिनेशन को फिर से देखते हैं हम। इन विच केस, वैसा केस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी आयन, मॉलिक्यूल्स और एटम आर रेगुलरली अरेंज्ड, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम का एंड ऑल्सो फॉलोज लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर, और ये लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ये पीबीआई क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ट्रू सॉलिड। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड इन एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो प्रकृति में एनिस्ट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम काटेंगे तो काटने के बाद वो मुलायम सतह देता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl, MgCl2 एंड डायमंड। क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी अपनी देखा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद है नेक्स्ट है एमरफस सॉलिड। देखते हैं एमरफस सॉलिड क्या होता है। बोल रहे हैं इन विच केस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड ऑल्सो फॉलोज सॉल्ट रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर इज नॉन एज एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपोजिट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स थे वो रेगुलरली अरेंज्ड हो रहे थे और एमरफस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर फॉलो कर रहा था एंड जो एमरफस सॉलिड है वो शॉर्ट रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर फॉलो करता है। तो वैसा केस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स अनियमित रूप से सजे होते हैं और जो शॉर्ट रेंज रेगुलरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं उसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। अब एमरफस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। एमरफस सॉलिड का एक और नाम है जिसे हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। ये जो स्यूडो सॉलिड है ये ट्रू सॉलिड नहीं होता है। एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमरफस सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड, बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो जो सही आंसर है स्यूडो सॉलिड को हम लोग पिक करेंगे। नेक्स्ट है
एमर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमर्फस सॉलिड जो होता है वो प्रकृति में आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक हो रहा होता है। नेक्स्ट है, एमर्फस सॉलिड है रफ मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब हम एमर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो ये हमें रफ देगा, ये हमें मुलायम सतह नहीं देता है, इसलिए एमर्फस सॉलिड के पास रफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल में है ग्लास, प्लास्टिक, रबर। इन सबके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज, SiO4। जो क्वार्ट्ज होता है इससे ग्लास बनाया जाता है, तो जो क्वार्ट्ज होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब क्वार्ट्ज को ग्लास के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पर जैसे ही ये क्वार्ट्ज ग्लास, इस क्वार्ट्ज का यूज करके ग्लास बनाया जाता है तो ये एमर्फस सॉलिड हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और एमर्फस के बारे में जाना, अब क्रिस्टलाइन के भी चार टाइप्स हैं, देखते हैं वो क्या क्या है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड एंड चौथा है कोवेलेंट सॉलिड। तो जानते हैं पहले कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो दोज केस इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड आर मॉलिक्यूल्स। कंस्टिट्यूएंट्स में अभी हम लोगों ने देखा किसमें तीन होते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम। तो जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल रहेगा उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, यानी कि वैसा केस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूल्स होता है उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी कुछ टाइप्स है, जैसे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा नॉन पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं कि पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव के बेस से तैयारी पढ़ रहे हैं तो सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जैसे लिखा हुआ है। तो इसमें है दोज केस इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड आर पॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वह है वैसा केस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जो सॉलिड है वो पॉलर मॉलिक्यूल्स है उसे पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एंड दोज केस इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड आर नॉन पॉलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वैसा केस जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड जो है वह नॉन पॉलर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए उसको नॉन पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। नॉन-पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कुछ गुण हैं, जैसे नॉन-पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। जो नॉन-पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वह नेचर में सॉफ्ट होते हैं। एंड नॉन-पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन-पॉलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का चालक नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सच सॉलिड इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड, यानी कि वैसा सॉलिड या वैसा पदार्थ जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं एटम आयन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण चिपके होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि सच सॉलिड इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड आर अट्रैक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसा सॉलिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्ट होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।